आज सवा है तू के पास
आशीर्वादी कुछ सभा आप सुन रहे आवाज आ रही है आप तक भाई आ रही है पीछे वाले भाई कौन हो आप लोग मुझे समझ में नहीं आ रहा माशाल्लाह दोबारा देखता हूं सुबह से कुछ खाया नहीं हूं मैं अभी तक सिर्फ चाय पी है मैंने और नान कढ़ाई खाया हूं ये हकीकत है नाते रसूल पढ़ रहा हूं सुबह 9 बजे से प्रोग्राम कर रहा हूं मैं भांडू के साथ अभी यहां पे आया हूं नान खाई और एक चाय बस ये दो में जिंदा हूं मैं फंक्शन भी आज पसीने निकल रहे हैं यहां तक कुछ तो साथ तो पैसा देखने मांग रहा अच्छा वही दे दो अगर या तो साफ रखो ये दो जिम्मेदारी आपकी या तो साफ रखो या पैसा आके दे मैं दोबारा पढ़ता हूँ सरकार की आमद बिल्कुल दस मिनट देखो इसमें तो सरकार की आमद हड्डी का ढांचा ये दोष कम है इसमें आप तो खाते पीते घर के हो रहे फिर से एक बार देखते हैं उसके बाद मुझे तो अपना सलाम पूरा करना है जिम्मेदारी अपनी जो है वो पूरी करूंगा मैं चला जाऊंगा उसके बाद आप सरकार की आमद बेटा दोनों हाथों को उठाने पड़े सरकार की आमद मैंने आपसे भी कहा मैंने इनसे कहा जब आपसे कह रहे तब आप लोग नहीं कर रहे जब मैंने इनसे कहा तो आप लोग बना दो मैं साथ से रहा तो पूरा दो मैं तो मत दो जो आज के पुष्पा का है वो के साथ बाकी कोई मत दे सरकार की आमद Yeah.
अब ये दोनों की सुनिए, उसके बाद इंशाल्लाह सभी के हाथ उठेंगे के हाकिम तो उठाएंगे। सुनना दोस्तों, पसंद आ जाए तो दुआएं देना, बाकी सबको मिल रहा है यहाँ पे अल्लाह के फजल करम से। जब मेरे सरकार की आमद हुई तो अरब की सरजमीन में रिवाज था कि बेटी जब पैदा होती थी किसी भी घर में तो उसके साथ क्या होता था आपको तो पता ही होगा भाई, मालूम होगा। सरकार की आमद से पहले जब मेरे सरकार इस दुनिया में तशरीफ लाए तब क्या हुआ दोस्तों, तवज्जो। अरे जिनको सुनना नहीं है मोहम्मद के दीन में, जिनको जन्म नहीं है मोहम्मद के दीन में, जिनको जन्म नहीं है मोहम्मद के दीन में, जिनको जन्म नहीं है मोहम्मद के दीन में, अरे जिनको सुनना नहीं है मोहम्मद के दीन में, अब कोई गलती तक ना हो गई जमीन में। अब ये दो मिश्रे जिनको पसंद आ जाए वो दुआ दोगे, सुचा भाई सुचा शफी मुस्तफा भी आए इमाम अंबिया दोस्तों, मोहन भाई हमारे फरमाते हैं हिंदुस्तान का मशहूर शायर, तेरे जाने का वक्त है अब आसमान में नूर के आने का वक्त है, और आसमान के चांद सितारों ऊपर करो और जिसके रसूल के पाप बनाने का वक्त है। एक रोज का वाक्य है जिन्हें बाहर रसूल के बाद होते हैं
और आज तक यार सुनिए बताइए आपकी उम्र ज्यादा है या मेरी ज्यादा है, क्योंकि हजरत में जिब्रील अभी उनकी ये ड्यूटी थी कि अंबिया अकराम को अल्लाह ताला की तरफ से वही लेके आए करते थे, तो मेरी नाश तक मेरी उम्र ज्यादा होगी तब से ज्यादा उस बातें का जिक्र है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये कलाम पाक की आयत से मैं दलील पेश करूंगा इंशाल्लाह। तो जो पेशे रसूल एक दिन जिब्रील थे खड़े, पेशे रसूल एक दिन जिब्रील थे खड़े, पेशे रसूल एक दिन जिब्रील थे खड़े, अपनी उम्र गधालियों दिल के लिए हुए, अस्करियों जिब्रील से कहने लगे नबी क्या उम्र है तुम्हारी बदलाओ तो सही, तुम्हारी बदलाव सही अल बशर उसको तो अपने बारे में बस इतनी है खबर, उसको तो अपने बारे में बस इतनी है खबर, होता है सारे अर्श दुनो एक सितारा, होता है सारे अर्श दुनो एक सितारा, सत्तर हजार साल के वो बात दोबारा, सत्तर हजार साल के वो बात दोबारा, वो अंदाजा मेरी उम्र का कीजिए शहवाला, सत्तर हजार पर